पर अरबाज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसलिए वैभव उनको नहीं हावी हो पाया। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन खाई नहीं दे या फिर खाया नहीं गया। मेरे नीचे से भी बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे, इससे जितना दूर हो सको उतना दूर रहू। जब अरबाज की गलतियां मुझे समझ में आ रही थी, उन लोगों की वजह से मेरा गेम खराब हुआ, फिर बाहर आने के बाद सब पता चल रहा है मुझे, अरबाज निकी जानवीन सबसे, तब मुझे क्यों गाली दे रहे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है उसकी वजह से ही मैं बाहर आया हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई मेरे साथ। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। वैभव सवान ये वो नाम है बिग बॉस मराठी सीजन 5 का, जिन्होंने न सिर्फ अपनी बॉडी से बल्कि अपने साथ ही साथ बिग बॉस के गेम से हमें इम्प्रेस किया। आज हमारे साथ वैभव बैठे हुए हैं जिनसे हम जनता के सीधे सवाल पूछेंगे। और चलिए वैभव जी शुरुआत करते हैं, कैसे हैं आप? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, कैसे आप? बहुत बढ़िया वैभव जी। वैभव जी आपकी जर्नी देखी हमने बिग बॉस की, एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग देखी आपकी, क्या सबसे पहले तो यही है कि क्या कहना है और प्लस बिग बॉस के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस में एक तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था जो भी था मेरा सफर वहां पे, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई मेरे साथ, बिल्कुल जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने भी एक्सपेक्ट किया हो वहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि जो मैंने सोचा था, जो मैंने जो मुझे बताया गया था वहाँ पे, भाऊ ने रितेश सर ने भी मुझे बहुत कुछ चीजें समझाई थी, जो भाऊ का धक्का जो होता है वहाँ पे, लेकिन वो ट्राई कर रहा था मैं कुछ चीजें बदलने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, और ऑफ कोर्स वो सब चीजें मेरी ही गलती की वजह से हुए, और उसके लिए उसकी वजह से ही मैं बाहर आया हूँ। सो आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिव होता या फिर कुछ पाता तो मैं अंदर होता ना कि बाहर होता। और जर्नी तो मतलब बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन हुए मेरे साथ जर्नी में भी, और बाहर आने के बाद भी वैसे ही सिचुएशंस थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है, बहुत ज्यादा निगेटिव फीडबैक मिला है, बहुत चीजें ऐसी है जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, और इसका ब्लेम मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरी गलती है, मैंने जो कुछ भी खेला जो कुछ भी किया उसका मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है, तो लेट्स सी अगर कुछ आगे कुछ अच्छा काम हो या फिर अच्छे काम की वजह से मैं जाना चाहता हूँ तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी, बट यहाँ पे तो थोड़ा सा है खुद पे भी थोड़ा सा, और ऑब्वियसली ऑडियंस को भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा है गिल्ट है उस चीज का। जी वैभव जी, अभी जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं तो आपके आने से, हमारी मुलाकात से पहले मैंने सोशल मीडिया पे ये बात रखी थी कि मैं वैभव जी से मिलने जा रहा हूँ, तो लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वैभव ने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने अरबाज और निकी पर भरोसा किया और इसके चलते जो है उनका पूरा गेम स्टार्टिंग से ही खराब हो गया। इस बात को आप कैसे कहते हैं और इस बात की क्लैरिफिकेशन आप कैसे देते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि अंदर जाके किसी से झगड़ा करूंगा या फिर किसी किसी से जानबूझ के कुछ दुश्मनी बोल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं करते। अंदर जाने के बाद चीजें ऐसी हुई कि अरबाज के साथ बॉन्डिंग अपने आप हो गई, ऐसा कुछ तय नहीं किया था हमने कि भाई दोस्ती रखेंगे फिर बाद में देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट हाय हेलो वाली फ्रेंडशिप हुई स्टार्टिंग में। पहले टास्क में हमने एक दूसरे को बचाया, फिर दूसरे टास्क में कुछ चीजें ऐसी हुई कि जो दिखाई नहीं दी, मतलब बाहर आने के बाद मैंने चेक किया कि सब मुझे क्यों गाली दे रहे, क्योंकि कुछ चीजें वहां पे ऐसी भी हुई थी जो एक घंटे में नहीं दिखाई दी, जो थी कि मैं अलग टीम में था और जो दूसरे टीम के बंदे थे वो अरबाज की टीम में थे, तो जी वो जो टीम में थे वो दिख रहा था मुझे कि वो जितना खेलना चाहिए था उस प्रकार से नहीं खेल रहे थे, तो मेरे टीम के लोगों ने बताया कि मतलब अरबाज निकी जानवी इन लोगों ने बताया मुझे कि वो लोग हमारे साथ नहीं खेल रहे, तो उनके लिए क्यों खेल रहा है ठीक से,
तो देयर आई डिसाइडेड क्यू कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसा ही करूंगा। तो वहां पे कुछ चीजें हुई थी ऐसे कि जो कि मुझे नहीं पता अभी सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया, बाहर तो नहीं दिखाया वैसे, लेकिन अंदर जो मुझे कंफ्यूजन था जो भी था, तो मैंने वो उधर ही क्लियर किया था कि मैंने क्यों खेला ऐसे। सब घर वालों को मालूम था कि मैंने क्यों किया था, क्योंकि आगे वाली टीम में जो दूसरे बंदे थे वो अरबाज और इनके लिए नहीं खेल रहे थे, वो जानबूझ के बैग्स वगैरह ले जाने दे रहे थे, वो सब चीजें हो रही थी फर्स्ट राउंड में। तो सेकेंड राउंड में फिर मैंने ऐसे खेला और उसका मैंने बताया भी, खुद से बताया, ऐसा नहीं कि मैंने छुपाया छुपा के रखा कि मैंने खेला नहीं खेला क्या, जो मैंने डायरेक्टली बताया कि मैंने जानबूझ के उन लोगों को हराया या फिर उन लोगों को जानबूझ के कम बॉल्स भरे बैग में, ये सब चीजें हुई थी। और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की उन लोगों से फ्रेंडशिप करने की, अरबाज ने की, जानवीन सबसे, ऐसा कुछ नहीं था कि और वो लोग भी ऐसा नहीं थे कि कुछ मेरे से उल्टे बात कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ नहीं था। सो मैंने तो कोशिश की मेरी तरफ से कि मैं अच्छे से बात करूं, सबसे अच्छे से बात करूं, ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं थी किसी से भी। तो फिर बाहर आने के बाद सब पता चल रहा है मुझे, मैंने जब जिस तरीके से देखा है, तो पीछे बातें हो रही थी कि वैभव को नहीं बताना है कुछ, वैभव को कैप्टन नहीं बनाना है, वैभव जी को सपोर्ट नहीं करना है। तो ये बाद में राइट मुझे, और मुझे वहां पे नहीं पता था, बट ऑब्वियस, और आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंड बोला है तो फिर निभाना तो पड़ेगा, ऐसा था। क्योंकि बाहर अपन भी ऐसे ही करते हैं ना, दोस्त अगर कोई बना है तो अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वी डोंट स्टैंड अगेंस्ट हिम, वी स्टैंड बिसाइड हिम एंड टेल हिम कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो वैसे ही मैंने उधर किया था, अरबाज जब कुछ चीजें गलत कर रहा था तो उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं था मैं, लेकिन उधर ही खड़े रह के, उसके साथ खड़े रह के मैंने उसको उसकी गलतियां बताई, उसको बताया कि ये सब नहीं करना है, अपन यहाँ पे बिग बॉस का गेम खेल रहे हैं, एक फैमिली शो है ये वो। जी लेकिन मतलब नहीं क्या, मुझे नहीं पता अभी उस उन लोगों की वजह से मेरा गेम खराब हुआ या फिर कैसे क्या। वंस अगेन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये ठीक से सोचता कि इनकी वजह से मेरा हो रहा है ऐसे, तो ये मुझे डिसाइड करना था कि भाई इनसे दूर रहो थोड़ा सा, तो वो नहीं कर पाया मैं शायद। जी वैभव भाई, अगला सवाल है, महाराष्ट्र की जनता जो पूछ रही है वो ये है कि आपको कई बार बिग बॉस ने शाइन करने का मौका दिया था, लेकिन स्टिल आप उसको पकड़ नहीं पाए और आप अरबाज की छत्र छाया में आगे खेलते रहे। क्यों? क्या आप अरबाज से पंगा नहीं लेना चाहते थे, या फिर आपका प्लान ये था कि अरबाज के साथ रहकर या फिनाले तक आगे बढ़े? नहीं, ऐसा कुछ प्लान उसके साथ रह के कुछ प्लान नहीं था मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेकेंड वीक में ही मुझे डांट पड़ी थी, और मैं ऑलरेडी दूसरे ग्रुप को हरा चुका था उनके ही ग्रुप में रह के, तो उसकी वजह से उनका ट्रस्ट मुझ पे नहीं था, वो दूसरे ग्रुप का। और मेरा ऐसा था कि जब अरबाज की गलतियां मुझे समझ में आ रही थी कि कुछ कुछ गलतियां बहुत ज्यादा है, जो उसका खेलने का एग्रेशन है वो दूसरे लोगों पर निकल रहा है, मेरे पे नहीं निकल रहा है, जी मतलब मैं अगर अपोजिट होता उसके तो, बट ऑब्वियस जो जनता सोचती थी वो सकता था, लेकिन उसके साथ रह के फिनाले तक जाना वगैरह ये सब तो नहीं प्लान में था, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने। बट मैंने ट्राई किया था कि उससे जितना दूर हो सको उतना दूर रहूं, या फिर जितना दूसरे ग्रुप के साथ जेल अप हो सकता उतना कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन चीजें ऐसी हो रही थी कि वो ग्रुप भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था मुझे, और मैं जितना इंडिविजुअली खेलने की कोशिश कर रहा था, टास्क ऐसे आ रहे थे कि ग्रुप में खेलना था, तो मुझे वो बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि यार अगर बहुमत चाहिए तो ग्रुप तो चाहिए, अगर किसी टास्क में बहुमत चाहिए या फिर कुछ टास्क है जो ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि ग्रुप में किसको रखना है क्या नहीं, तो बहुमत तो चाहिए। और फिर मैं इंडिविजुअल भी नहीं खेल पा रहा था क्योंकि वो ग्रुप टास्क थे कुछ, तो ये सब उस कंफ्यूजन में था कि अभी कब कब मैं उसके अगेंस्ट जाऊँ, कब कब करूँ ये सब चीजें। और जी मैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था, वो वापस से जवाब नहीं देता था मुझे कुछ भी, जब मैं उसको बोलता था कि भाई तेरी यहाँ आया गलती है, ये हुआ है, मतलब ऐसा इतना सटल वे में नहीं बोलता था मैं उसको, बहुत अबव द लाइन चीजें हो रही थी, बिलो द लाइन चीजें हो रही थी उसके साथ, गाली गलौज भी हुआ था उसके साथ, लेकिन वो बट ऑब्वियस नहीं दिखा सकते थे।
हुआ था उसके साथ, झगड़े भी हुए मेरे बहुत सारे चीजों पे बहस भी हुई है। लेकिन चीजें ऐसी दिखाई नहीं दी या फिर उसको नोटिस नहीं किया गया, फिर उसने खुद से पलट के जवाब नहीं दिया मुझे कभी, तो मैं जी अकेला झगड़ू, ऐसा भी हो रहा था कि मैं अकेला कितना झगड़ू उसके साथ, क्योंकि जी प्लान में था झगड़ा करना ही नहीं उसको, ऐसा कुछ तो था शायद, ऐसा भी लगता है जी मुझे कि वो खुद से झगड़ा नहीं करता था मेरे साथ कुछ भी। मैं अगर उसको बोलूं कि ये सब चीजें तेरी मुझे पसंद नहीं या फिर जो भी है, तो रात को आके मेरे से बात करता था कि वो यार सॉरी ये वो, तो मैं खुद से फिर अपन डेली लाइफ में ऐसे करते, कोई अगर आके सॉरी बोलता है तो वी डोंट फाइट विद हिम, वी से इट्स ओके ठीक, तो ये सब हो रहा था वहां पे। तो मुझे जी नहीं पता, मैं चाहता था कि कुछ हो या फिर मुझे जो चीजें पसंद नहीं थी उस पर मैं स्टैंड ले रहा था, लेकिन वो आके रिजोल्व करता था कुछ चीजों पे जी साथ। फिर उसका डिसाइड उसका और निकी का कि इसके साथ झगड़ा करना ही नहीं है, ऐसा कुछ तो हुआ रहेगा शायद मे बी, तो इसकी वजह से। वैभव और जी, हाँ सॉरी जी, नहीं बोलिए बोलिए, तो नहीं आप बोल रहे थे ना, प्लीज सॉरी कंटिन्यू कीजिए। बीच बीच में मेरी निकी से भी बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे, निकी के साथ भी मैंने उधर भी जी स्टैंड के साथ भी स्टैंड लिया था मैंने, लेकिन उसने फिर से 1 घंटे बाद फिर से निकी ने आके रिजॉल्व किया सब कुछ, फिर मुझे सॉरी बोला, तो आई वाज लाइक कि अभी क्या मतलब आगे जाओ, अभी पता नहीं था, तो ये सब चीजें हो रही थी, अभी पता नहीं उसकी वजह से मेरा गेम खराब हुआ। बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की थी, डीपी दादा के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी बाद में, फिर जानवी अलग हो चुकी थी ऑलरेडी, तो जानवी के साथ मेरा अच्छा, और मेरा ऐसा प्लान था कि थोड़ा सा अलग होके कुछ तो खेले, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था कुछ चीजों की वजह से, टास्क की वजह से, क्योंकि वहां पे भी बहुमत चाहिए था, कुछ चीजें ऐसी थी कि बहुमत के बिना हो नहीं सकती थी, तो ये सब बहुत मेरे लिए। और फिर से मैं किसी को ब्लेम कैसे करूं, अभी मेरे साथ हो रहा था वैसे और मैं उधर था, तो 24 घंटे में से 1 घंटा दिखा रहे थे, तो मुझे नहीं पता। अभी बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने देखी है, एपिसोड्स देखे मैंने, तो एपिसोड्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखाई दी है बिल्कुल भी, मतलब वहाँ पे बोला गया कि तू स्टैंड स्टैंड नहीं लेता है, वहां पे मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैंने कही है, बातें बोली है मैंने, बहुत सारे झगड़े भी हुए मेरे सबके साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन पता नहीं यार दिखाई नहीं दी या फिर दिखाया नहीं गया या फिर ऐसा कुछ हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं अगर आपको चाहिए तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कौन से इंसिडेंट्स है, लेकिन जी है जो नहीं दिखाई दिए। भाई, अगला एक इल्जाम आप पे लगता है कि आप सूरज को तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ ना कुछ उसके साथ झगड़ जाते थे, कुछ ना कुछ चीजें कर लेते थे, लेकिन आप अरबाज और निक्की को कभी कुछ नहीं इतना बोलते हुए नजर आए। इनफैक्ट सूरज के साथ कैप्टनसी के दौरान जो है काफी पंगा भी हुआ था, हमको याद है। तो महाराष्ट्र की जनता ये कहना चाहती है कि क्या सूरज जो है एक जस्ट नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, इस वजह से क्या वैभव चौहान ने उस पर जो है हावी होना चाहा, और अरबाज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसलिए वैभव उनको नहीं हावी हो पाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज और मैं एक ही गांव, हमारा गांव साइड बाय साइड है, तो मैं भी गांव से जी बिलोंग, ना कि मैं किसी बड़े शहर से आया हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं, मैं का गांव अराउंड 20 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से, और जैसा उसका गांव है वैसा ही मेरा गांव है, मैं उधर से ही मैंने स्कूलिंग किया है, उधर से ही मैंने जो भी किया है, मैं खुद खेती करता हूँ, अभी मैंने बीच में जॉब की वजह से खेती छोड़ी थी, नहीं तो मैं भी एक कॉमन बैकग्राउंड से आता हूँ, ना कि किसी अलग बोलते हैं ना शहर से या फिर ऐसा कुछ पता नहीं है गांव का या फिर किसी को टारगेट करना, ऐसा कुछ भी नहीं था सूरज का और मेरा। बट ऑब्वियस जब स्टार्ट में मैं सूरज से मिला, सबसे पहला दिन था, मैंने किसी को जाके गले नहीं लगाया, किसी को नहीं, लेकिन सूरज को मैंने गले लगाया था, क्योंकि मुझे लगा, मुझे पता था कि ये मेरे गांव का बंदा है और मेरे जैसा है, तो मैंने उसको हक किया था, जी वो चीजें है, उसके लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा, उधर भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं था,
अगर वो झगड़ा हुआ था तो उसने भी कुछ चीजें बोली थी मुझे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको मालूम है कि मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है, मेरे पैर 5 सर्जरीज हुई है जो किसी को नहीं मालूम है, और ओके बोला था कि कुछ भी कर लेकिन मेरे पैर को मत खींच, खाली उतना ही कर। ओके तो कुछ हुआ है उसके पैर को, स्टिल उसने वो खींचा था जोर से और मुझे वो ट्रिगर किया था बहुत ज्यादा। ये लोगों को नहीं जी मालूम है क्या चीजें किसको ट्रिगर करती है, वो नहीं मालूम है, तो जी उसकी वजह से हुआ था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसका और मेरा झगड़ा है या फिर कुछ नहीं, हम एकदम नॉर्मल बातें करते हैं मस्त। हम दोनों ने बहुत जिम किया है साथ में, जो ऑब्वियसली नहीं दिखाया गया है। मैंने उसका बहुत ना ज्यादा खाना बनाया है क्योंकि उसको 8 8 9 9 चपाती लगती थी, वो मुझे मालूम है, तो मैंने सबको रिक्वेस्ट, चपाती ज्यादा लगती है, राइस ज्यादा लगता है, तो मैं खुद खाना बनाने में प्रोसेस में था, उधर किचन में ज्यादा काम करता था, तो मैं उसके लिए खाना बनाता था ज्यादा, मेरे प्लेट में से देता। ऐसा नहीं कि मैं अभी ये गेन कर रहा हूँ सिंपथी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने किया है उसको भी मालूम है। आप जब वो बाहर आएगा कभी, आई होप जीत के बाहर आए, तो उसको पूछना कि वैभव ने ऐसा कुछ जानबूझ के उसको कुछ टारगेट किया था या फिर ऐसा कुछ है क्या। अगर उसने बोला कि भाई हाँ उसने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं उसके पैर पड़ूंगा सीधे, क्योंकि मुझे मालूम है अलग है, जी वैभव उसके लिए बहुत भाई, वो है सीरियस। ना, हमको ऐसा दिख मतलब क्योंकि एज अ हम तो ऑडियंस देख रहे हैं, आप लोग अंदर शो के रहकर आए, वो इसीलिए ऑडियंस के ही ये सवाल आ रहे हैं क्योंकि वो देखने में ऐसा लगा। हिना खान जी ने एक बार कहा था कि बिग बॉस इज वेरी मच वेटेड शो। सो यहाँ पर क्या यही बात सच होती है कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इमेज ऐसी आई बाहर की, आप निकी और वैभव को, नहीं सॉरी, निकी और अरबाज को तो कभी कुछ नहीं बोल रहे हैं जबकि वो इतना आपको परेशान कर रहे हैं, या टैग बिचिंग, या यू नो आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन सूरज ने थोड़ा सा क्या बोल दिया तो आप तो उसके ऊपर चढ़ गए पूरी तरीके से। ये बेसिकली ये दिखा। ये देखो बैक बिचिंग जो हो रही थी वो मुझे अंदर तो थोड़ी ना मालूम है कि बैक बिचिंग क्या चल रही है मेरे। नहीं, मतलब हमको ऐसा पता चला है, मतलब ऑडियंस हमने देखा ही है, और प्लस एक कुछ कुछ एक स्पेशली एक टास्क था जिसमें वो जिसमें आप आपका और जिसमें अरबाज खड़ा था आपके लिए, स्टैंड ले रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अरबाज भी हट गया था और आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था। वो एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी शायद वो, जिसमें आप खुद ब खुद स्वेच्छा से नॉमिनेट भी हो गए थे, तो उसको लेकर भी ऑडियंस का यही कहना था कि वैभव ने ऐसा क्यों किया। और अरबाज पे भी यही सवाल था कि पहले वो अपने अगर दोस्त दोस्त बोलता और वैभव अपने दोस्त को दोस्त मानता है तो उसके लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग वे में खड़े रहना चाहिए था जैसा वैभव खड़ा था अरबाज के लिए। तो यहाँ पर भी अरबाज पे भी उंगली उठती है कि अरबाज ने भी अपनी दोस्ती सही से नहीं निभाई और उस वक्त वैभव को समझ जाना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता, मैं उसके बाद भी मेरा डिस्कशन होता था उससे, उसको मैं बोलता था कि भाई तेरी प्रायोरिटी मैं नहीं हूं तो क्यों फिर रही है, दोस्त दोस्त का खेल खेल रहा है, तो ये सब भी बातें होती थी हमारी। ऐसे नहीं जी है कि मैं उससे बात नहीं करता था या फिर उसको बोलता नहीं था, बहुत सारी चीजें ऐसे, उसको उसके साथ झगड़ा भी हुआ है मेरा, गाली गलौज भी हुई उसके साथ, जो कि बट ऑब्वियस नहीं दिखाई दी है। निकी का साथ भी बहुत ज्यादा बार मेरा झगड़ा हुआ है, मैंने बहुत बार बोला है कि आई एम नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर निकी एट ऑल, पहले से ही बोल के रखा था मैंने अरबाज को कि भाई अरबाज तेरा और निकी का जो भी गेम है तुम दोनों खेलो, मुझे नहीं बीच में मत खींचो। तो आई वॉज नॉट इन, उन दोनों के पास में नहीं था, मैं था जी सिर्फ, मुझे मुझे ऐसा लगता था कि अरबाज अगर ठीक से बात कर रहा है मेरे से तो मैं क्यों उसके आड़े जाऊं, ये सब दिमाग में चल रहा था बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको बोलता नहीं था मैं या फिर खुद का स्टैंड नहीं लेता था। अः ऐसे भी हुई कि सिर्फ अरबाज भी बोला था कि मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, तेरे लिए स्टैंड लूंगा, तो उसने लिया भी था, एक दो बार लिया भी था, ऐसा नहीं किया था। जो कैप्टनसी टास्क हुआ था ट्रेन वाला, उधर वो ऑलरेडी आउट हो चुका था, फिर भी उसने बोला था कि मुझे तुझे कैप्टन बनाना है तो मैं तेरे लिए खेलूंगा, फिर वो उसका जो एग्रेशन निकला था वो सब चीजें हुई थी, तो उसने जी मुझे तुझे कैप्टन बनाना है, और मैं वो रेस में भी था लास्ट तक, ऐसा नहीं था मैं नहीं था वहां पे, मैं था वहां पे, तो ये सब चीजें हुई थी ऑलरेडी। बट बाहर आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई, बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि बैक बिचिंग किया है, पीछे थोड़ी सी बातें की है मेरे बारे में, मुझे आके बोला कि मैं जी खेल रहा हूँ, फिर बाद में निकी के साथ बैठ के बातें कर रहा है,
कि मैं तो उसको कैप्टन नहीं बना रहा हूँ, मैं मेरे लिए कैप्टन बनूंगा, ये सब वो सब चीजें, तो बहुत सारी चीजें जो बाद में पता चली मुझे बाहर आने के बाद, बट ऑब्वियस अंदर पता नहीं चलती। और अभी कैसे बोलूं, अभी क्योंकि गिल्ट तो है मन में यार, मैं तो खड़ा था वहां पे कुछ चीजों के लिए उसके साथ, लेकिन वो नहीं था। फिर अभी कैसे बोल सकते हैं, अभी एक तरफा प्यार देखा है सबने, एक तरफा फ्रेंडशिप के धोखा भी देख लो, अभी क्या बोल सकते हो। वैभव भाई, जब आपको मैन हैंडलिंग करा था अरबाज ने, उठा उठा के वो टास्क के दौरान उधर फेंक रहा था उधर फेंक रहा था, तो एक हैशटैग चला था सोशल मीडिया पे, वो था हैशटैग जस्टिस फॉर वैभव। एक्चुअली ये हैशटैग उसके बाद चला जब आर्या और निक्की का मुद्दा हुआ। यहाँ पर जनता ये कह रही थी कि जिस तरीके से निक्की और आर्या के मुद्दे में निक्की की बात सुनकर आर्या को निकाल दिया गया, तो वैभव और अरबाज के बीच में जब वो उठा उठा के फेंकता है, अरबाज, उसने सूरज को भी फेंका है जिसके लिए वीकेंड के बाद पे उसको डांट पिटी है, तो अरबाज पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अरबाज को इतनी ज्यादा खुली छूट क्यों मिल रही है कि वो लोगों को उठा उठा के फेंके? वो भी तो फिजिकल वायलेंस ही है, तो व्हाई नॉट अरबाज, क्या लगता है ठीक, आपको? अगर ठीक से देखो ना, तो मैंने किसी को मैन हैंडल नहीं किया अभी तक नहीं, उधर। नॉट यू, हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। आई एम टेलिंग यू, अरबाज के बारे में बात, जी उठा उठा के बाहर रख रहा था या फिर जो भी वो कर रहा था सब कुछ, मेरे सिर्फ दिमाग में ये था कि अगर मैं भी उसके जैसा करूं, ऑलरेडी मुझे टैग लग चुका है अरबाज 2 नाम से, और मैं भी उसके तरह बिहेव करूंगा तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं उसकी तरह क्यों भी है, कि मैं ऐसा बाहर तो नहीं हूं, बाहर अगर कोई कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आई विल बी लाइक ओके फाइन, ठीक है मुद्दा क्या है, मुझे यहाँ से हटना है, ठीक है मैं हट जाता हूँ, ऐसा मेरा बाहर भी स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि मैं उधर जाके फिर उसको भी लड़ू, मेरा दिमाग में ये था कि जो उसने उठाया बाहर रखा ठीक है डन, लेकिन मैंने उसको एग्रेशन कहाँ पे दिखाया, जहाँ पे उसने बाउल पकड़ा था, वो बाउल मैंने निकाल के फेंका, ये सब चीजें जी की, जी मुझे उसको फिजिकली नहीं कुछ करना था, मेरा मुद्दा क्या था उसको, वो जो बाउल था उसमें दूध उसका नहीं भरना चाहिए, ये मेरे दिमाग जी में था। ने जो भी किया वो उसका एग्रेशन था, उसको जो भी करना था वो कर रहा था, और उसके ऊपर ज्यादा बातें सिर्फ उसको वार्निंग दी जाती थी, नहीं यार कि जी तू ऐसा नहीं करेगा, तो जी ये सब है जो मुझे भी थोड़ी सी शॉकिंग थी कि उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्योंकि पता था अगर मैं भी उसकी तरह बिहेव करने लगूं और मुझ पे एक्शन लिया तो फिर क्या करूं मैं, तो ये भी सब जी दिमाग में। वैभव भाई, इसी बात से एक ज्वाइंट बात है, वो ये है कि निक्की और अरबाज को इतनी प्रायोरिटी बना के क्यों चला चलाया जा रहा है? क्योंकि जब आर्या का मुद्दा हुआ था, पूछा गया, निक्की कहती है निकाल दो, तो निक्की की बात तुरंत मान ली जाती है। अगर बात करें अरबाज की, तो अगेन यही वाली बात, उसको वार्निंग सिर्फ बोला जाता है, बल्कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं। बेचारी, अगर आर्या की अगर बात करें, तो आर्या, ये जनता का शो है, राइट? तो जनता ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर आर्या को नॉमिनेट भी कर देते तो सही रहता। क्या आपको लग रहा था कि आर्या जो है वो निक्की की जो विनिंग की एक वो जो एक बात हो गई है कहीं ना कहीं अंदर, तो उसके बीच में आड़े आ रही है, इस वजह से इसको निकाल दिया गया? एक्चुअली इसके ऊपर 3 दिन डिस्कशन चला, क्योंकि जब ये मुद्दा हुआ था, ये जो इंसिडेंस हुआ था आर्य और निकी जी के बीच, तो वो हुआ था और मैंने खुद से देखा था कि क्या हुआ था वहां पे, क्योंकि दरवाजे के आगे हुआ था, जितना दरवाजे के आगे हुआ उतना मैंने देखा, क्योंकि वहां पे मैं खड़ा था खुद, और दरवाजे के पीछे जो भी हुआ मैंने आर्य से पूछा था कि क्या हुआ है, तो आर्य ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि निकी ने पहले मुझे मारा देन मैंने उसको मारा, तो ये सब चीजें हुई थी, और फिर 3 दिन उसके ऊपर डिस्कशन चला। बिग बॉस ने बोला था कि इसका रिजल्ट बहुत सांगितला जाए, तो जी 3 दिन डिस्कशन के उसके ऊपर बिग बॉस बार बार बोल रहे थे कि इन सब चीजों पे आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए, सब लोगों को बोल रहे थे कि आर्या को साथ मत दो, अच्छा खुद बोल रहे थे कि उसने जो किया है वो गलत किया है और आप गलत का साथ नहीं दे सकते, ये बार बार अनाउंस हो रहा था 2 3 दिन। ओ जी, ओके, हमको नहीं अनाउंस, दिखाया। हाँ तो ये अनाउंस हो रहा था कि आर्या झूठ बोल रही है, उसके ऊपर किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ है,
वो जो भी हुआ है वो टास्क के दौरान हुआ है, और आर्या जो भी ब्लेम्स लगा रही है कि मुझे मारा गया है, मुझे सर पे लगा है, मुझे धक्का दिया गया है, ये सब चीजें टास्क के दौरान हुई है, तो वो सब चीजें वायलेंस के इसमें नहीं आ सकती। लेकिन जानबूझ के अगर कोई बोल के मार रहा है तो वायलेंस पे आएगा, जो वायलेंस माना जी जाए। तो ये सब जी चीजें खुद ने बोली है, हमें अनाउंस करके अच्छा बता, आर्या ने खुद बोला है कि निक्की आई एम गोना हिट यू, और उसने मारा। तो ये मुद्दा बिग बॉस ने, और जब आर्या ने सवाल उठाया कि बिग बॉस ये टास्क में निक्की ने मारा, ये टास्क में ऐसा ऐसा हुआ, अभी जो मैंने उसको मारा है उससे पहले उसने मेरे बाल खींचे, मेरे बाल खींचने के वक्त उसका हाथ लगा गाल पे, जो कि मैंने भी देखा, उसका गाल लाल था, आर्या का गाल लाल था जब ये मुद्दा हुआ, इंसिडेंस हुआ था। तो हम भी कंफ्यूजन में थे कि हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि अभी ये सब चीजें हमें तो नहीं मालूम है बाहर क्या चल रहा है, हमें फुटेज तो नहीं दिख रहा है कि हुआ क्या है, हमें तो सिर्फ क्या जी अनाउंसमेंट है कि आर्या ने गलत किया है, उसका साथ मत दो। तो ये सब चीजें वहां पे हुई थी डेफिनेटली ओके फॉर, और मैं उस टाइम भी बोला था कि आर्या को, आर्या जस्ट एक्सेप्ट करो जो भी हुआ है वो गलती से हाथ उठा है, ना कि तुम्हारा कुछ इंटेंशन था या फिर जो भी था। तो उसने उतना बट ऑब्वियस सबका सुना है वहां पे कि ओके बिग बॉस अगर बोल रहे हैं मेरी गलती है तो मेरी गलती है, उसने एक्सेप्ट किया, बड़े अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया उसने, और बिग बॉस ने वो डिसीजन लिया कि कुछ भी हो हाथ उठाना गलत है, अगर वो सबसे बड़ा रूल है कॉन्ट्रैक्ट में, रूल है कि हाथ नहीं उठाना है किसी के ऊपर, और वॉयलेंस नहीं करना है, पुशिंग और ये सब चीजें थोड़ी बहुत टास्क में होती ही है, तो वो सब ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ जानबूझ के किसी को मारना या फिर जानबूझ के किसी पे हाथ उठाना ये गलत है। तो उसकी वजह से वो सबसे बड़ा रूल ब्रेक था। मैं तो चाहता था उल्टा कि आर्या और खेले, क्योंकि वो टॉप 5 में थी ऑलरेडी, स्ट्रांग थी वो, क्योंकि जी जी, निक्की को वो अकेली लड़की थी जो बिंदास बैठी सीधा थी। टैकल करती थी, हाँ राइट। हाँ उससे वो निकी को डायरेक्टली ये करती थी, तो उतना मुझे तो मालूम था। मेरा भी झगड़ा आर्य के साथ बहुत बार हुआ है, बहुत जी बार हुआ, लेकिन उसका और मेरा पर्सनल ग्रजेस कुछ नहीं था, हम तो मस्त एकदम शायरी वगैरह चलती थी, हमारे गाने वाने चलते थे, हम मस्त गप्पे मारते थे। तो टास्क होता है वो तो ठीक है, उतना उसका पीरियड रहता है वो झगड़े का भी, तो उतना होता, लेकिन उसका और मेरा ग्रज कभी नहीं था। बहुत सारी चीजें हमने एक दूसरे को शेयर की है, मैंने उसको बोला भी था कि जो भी हुआ है अभी एक्सेप्ट करो और आगे चलो, क्योंकि अभी पता नहीं क्या सीन है, क्या आगे का। लेकिन उसका गुस्सा जायज था, आर्या का गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हुई है, धक्का बुक्की हुई है, बहुत खींचा गया है उसको, बहुत सारी चीजें हुई जो मैंने बाहर आके भी देखा है। अंदर भी मैं निकी को बोला था कि तेरी बातें मुझे भी ट्रिगर करती है, तेरे जो खींचती है तू, ये सब करती है, तो वो भी थोड़ा सा गलत है, तू मत किया कर, ऐसा मैं बोलता था उसको, अभी वो दिखाए नहीं तो चकित। और बिल्कुल मुझे लगता है कि आर्या का गुस्सा बिल्कुल जायज था, लेकिन उसके एक्शन जो थी वो थोड़ा कंट्रोल करती थी, क्योंकि उसने इतने वीक से कंट्रोल किया है खुद को आर्या ने, और थोड़ा कंट्रोल करती थी वो, बिल्कुल टॉप 5 टॉप 3 की कंटेस्टेंट थी। मैं तो पहले से उसको बोलता था, मैंने एक दो बार उसको नॉमिनेशन में भी नहीं डाला था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जब जी भी मेरे सवाल उठाया गया कि आर्या को करना था तुझे, अभिजीत को क्यों किया, ये सब चीजें हुई थी स्टार्टिंग के नॉमिनेशन में भी, क्योंकि उधर मालूम जी आर्या स्ट्रांग है, उसको नहीं निकाल सकता मैं, तो ये सब चीजें हुई। पता नहीं फिर अभी बिग बॉस का रूल है हाथ नहीं उठाना है, की वजह से सिर्फ ये हुआ है, नहीं तो ये आर्या का गुस्सा बिल्कुल जायज था, मैं तो कहता हूँ। भाई, इरीना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जनता जानना चाहती है कि वो जो स्वीट सी दोस्ती शुरू हुई थी, क्या वो आगे बढ़ी है और क्या वो एक अच्छे से रिलेशनशिप में डेवलप होगी? देखो सबसे आपके पहली चेहरे बात, पे हंसी आ गई है। अरे नहीं, मैं इतना इतना कुछ ऑलरेडी बोल चुका हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो अकेली थी जहाँ पे मेरा सब निगेटिव चल रहा था, सबको मालूम है, घर में भी मालूम था कि वैभव
के बारे में सब निगेटिव बातें चल रही है घर में भी, और ऑब्वियसली घर में चल रही है मतलब बाहर भी चल रही होंगी, तो उसको मालूम था कि सब उल्टा पुल्टा जा रहा है सब चीजें। स्टिल उसने मेरा साथ दिया, उसने मुझे थोड़ा सा नहीं क्या बोलते, ये सब चीजें मेरे साथ उल्टी पुल्टी हो रही थी, कि सब घर वाले थे कि कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था मुझ पे। तब इरीना ने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा, शी स्टूड फॉर मी, उसने साथ दिया मेरा, उसने बोला कि जितना भी चल रहा है जो भी चल रहा है चलने दो, आई नो तुम कैसे हो, मन से कैसे हो, इंसान कैसे हो, उतना ही काफी है। तो उतना उसका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है अंदर। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि शी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, फिजिकली ऑल्सो मेंटली ऑल्सो, और उसके बहुत सारी चीजें ऐसी कि वो मेरे से ज्यादा प्लस पॉइंट में थी। मैं तो चाहता था उल्टा कि वो रहे ज्यादा दिन और मैं चला जाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो और ज्यादा दिन रहे ऐसे मेरी इच्छा थी। और जब वो चली गई तब बहुत ज्यादा सेटबैक मिला था मुझे, बहुत ज्यादा ऐसा हो चुका था यार मैं अभी क्या करूं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी कि ठीक है गेम के लिए किस किसने रिलेशंस बनाए थे, किसी ने दोस्ती रखी थी ऐसा, लेकिन गेम के लिए मैंने ये सब नहीं किया था। तो इट वॉज लाइक फ्रेंडशिप हो चुकी थी हमारी ऑलरेडी। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये फ्रेंडशिप, ये बॉन्ड आखिर तक रहे, आगे भी रहे। और जब मैं बाहर आया तो उसको कॉल भी किया था मैंने, सो शी वॉज लाइक कि वाई यू केम सो अर्ली। मैं बोला यार अच्छा गेम, मेरे से गेम नहीं हो पाया, तुम्हें पता है कि कुछ चीजें मेरी नहीं हो रही थी मेरे से। तो शी वॉज लाइक इट्स फाइन, और उसको भी मालूम था कि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स है, बहुत सारे लोग गुस्सा है, और ऑब्वियसली क्यों ना हो, अगर उनको मेरे से कुछ उम्मीद है और मैं वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ तो। बट ऑब्वियस है, अगर मैं भी ऑडियंस होता और मेरा कोई दोस्त या फिर मैं जिसपे भरोसा करता हूँ अगर जा रहा है तो मैं भी जी डेफिनेटली करता उसका। तो वही मेरे साथ हुआ है, और मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है ये सब चीजें भी, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ है मेरे लिए। अगर ऑडियंस गालियां दे रही है तो वो भी मुझे एक्सेप्ट करना है, अगर ऑडियंस प्रेज कर रही है तो वो भी मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है बॉस में जाओ ये करो वो करो बताने वाला, या फिर एक्टिंग करियर में ये करना है वो करना है, कोई भी नहीं है। तो मुझे इन्हीं सब चीजों से सीखने मिल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, और इन सब चीजों में इरीना ने मुझे बहुत साथ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेंडशिप आगे भी रहे और ये बॉन्ड ऐसे ही रहे, क्योंकि शी वॉज लाइक ग्रेट सपोर्टर टू मी, एंड आई विश कि उसकी भी सारी विशेष जो है वो पूरे हो बस। ठीक है वैभव भाई, हम समझ गए हैं। अच्छा आपने शो को अंदर से भी अच्छे से देखा, आपने लोगों को अंदर से अच्छे से पहचाना क्योंकि आप अंदर उनके साथ रह कर आए, और बाहर से भी आकर आपने थोड़े बहुत देख ली हैं चीजें, क्लैरिटी हो गई है। क्या लगता है कि फर्स्ट किसे आना चाहिए, यानी कि बिग बॉस सीजन 5 की ट्रॉफी, मराठी सीजन 5 की ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए? देखो अभी जैसा मैंने अंदर भी सूरज को हक किया था, जब जब मैं निकल रहा था बाहर तो आई हग्ड एवरीवन, लेकिन मेरे लास्ट लास्ट में सूरज को हक किया था, एंड सूरज को बोला था मैंने, सूरज बारामती, मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो भी बिलोंग करता है बारामती से, तो आई जी सेड सूरज बारामती में ट्रॉफी पाहिजे तू घेऊन ये। जी ये किसी को नहीं बोला है वहां पे, वो सिर्फ सूरज को बोला है, और सूरज को क्यों बोला है उसको भी मालूम है। हमारा झगड़ा ओके था, लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाई दिया है, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी ये नहीं बोलूंगा कि सिंपैथी ले रहा हूँ या फिर ये सब चीजें, क्योंकि मुझे वो भी कमेंट्स आ रहे कि बाहर आके तू उसका गुणगान गा रहा है ये वो। अंदर जो भी था हमारा जो दिखाया गया उसके अलावा भी हमारा जो भी बॉन्ड था वो, तो मुझे मालूम है मेरा और उसका क्या रिलेशन है क्या नहीं है, मैं उसको कितना सपोर्ट करता था वहां पे कुछ कुछ चीजों पे, वो इमोशनल कनेक्ट था उसके साथ, और जी डेफिनेटली वो सबको मालूम है जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी संग्राम की, तो ऑलरेडी शर्ट उतार दिया था मैंने, और उधर भी एक्सप्लेन किया था, वो भी एक्सप्लेनेशन आधा ही दिया दिखाया उन लोगों ने, उधर भी एक्सप्लेन किया था कि आयरिस और सूरज की जगह कोई भी होगा साइड में खड़ा रहा, मैं नहीं कोई और भी होगा तो भी सूरज जी अंदर नहीं जा, ये भी मैंने तो पानी में
जो ढकेलना था, तो वो सूरज नहीं जाना चाहिए क्योंकि सूरज जेन्युइन बंदा है, ये सब चीजें मैंने उधर दिखाई दी है। सो मैं चाहता हूँ कि सूरज ट्रॉफी उठाए, क्योंकि वो सीरियसली जो रियलिटी शो बोलते हैं ना, तो एक्चुअली वो रियल है वहां पे। ये सब ओके बोल गेम नहीं समझ में आता, मैंने बोला है बहुत बार उसको गेम नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको अगर गेम समझ रहा है फिर भी इतना कुछ कर रहा है वो, अगर गेम समझ में आता तो क्या क्या करता, ये भी सोच। वही वही। फर्स्ट ऑफ अच्छा, आप जाते जाते वैभव भाई, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ, और इसमें तुरंत आंसर चाहिए आपसे, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आर यू रेडी? जी। घर का सबसे ज्यादा चालाक इंसान? घर का सबसे ज्यादा चालाक इंसान, इन अ गुड वे अभिजीत, अभिजीत। इन अ गुड ओके, वे, इन अ इन अ गुड गुड वे। वे, ओके। घर का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान? निक्की डबल रोल की कौन है घर में? अभी अभी आई डोंट थिंक घर में कोई होगा वैसे, आई डोंट थिंक सो कि डबल टोन की कोई अभी वहां पे है। तो उससे पहले पंडरीनाथ? उसके पहले तो सबको मालूम है मेरा ही दोस्त है घनश्याम जी, मेरे दोस्त परम मित्र घर का सबसे इनोसेंट पर्सन? डेफिनेटली सूरज, ओके, 100%। अगर वैभव सवान घर में फिर से वापस जाए एज अ वाइल्ड कार्ड, तो किसकी वाट लगाएंगे? भाई डेफिनेटली निकी अरबाज, इन दोनों की पक्का वाट लगाऊंगा मैं, क्योंकि जो भी चीजें हुई है और मतलब जो होता है ना कि भाई अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऐसी भी की है कि मैंने बैकआउट किया है खुद उन लोगों के लिए। राइट, हाँ मैंने बैकआउट किया है बहुत जगह पे, मैंने ऐसा पीछे आया हूं मैं कि बाबा तुम लोग करो, तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो तुम भी किया है मैंने, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा निक्की और अरबाज को बहुत ज्यादा महसूस होगा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत ज्यादा चीजें बदलेंगी फिर वहां से डेफिनेटली आर्या के साथ क्या नाइंसाफी हुई? हाँ रूल के हिसाब से देखा जाए अगर, बट ऑब्वियस है कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि उसका गुस्सा जायज था, उसने जो भी उसका चल रहा था, तो हाथ उठाना ऑब्वियसली थोड़ा सा रूल के खिलाफ था। अगर बाहर की दुनिया में भी और लॉ की दुनिया में भी देखे अपन, हम लोग अगर कोई मर्डरर है और उस मर्डर भी किया जाए तो लॉ पनिशमेंट देता ही है, तो वो सब चीजें अगर अगर रूल्स बनाए हैं तो रूल्स की वजह से वो सब हुआ है, नहीं तो आई डोंट थिंक कि आर्या को बाहर जाना चाहिए था, बट वो रूल्स थे, रूल्स की वजह से वो डिसीजन लिया गया है, सो आई डोंट थिंक उसको बाहर जाना चाहिए था, बट रूल्स डेफिनेटली नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। जानवी यानी कि दिल की कौन है ज्यादा साफ? जानवी ओके। ताई क्या कर उसका रहे हैं? भी एक्सप्लेनेशन ऐसा है, हाँ सॉरी। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जानवी फर्स्ट सब इसमें पूरी तरह से निगेटिव थी, उसने मैंने भी सीनियर एक्टर्स को बोला है, वर्षा ताई को बोला है, पैडी दादा के साथ झगड़ा हुआ है मेरा, अभिजीत के साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और वैसे भी जानवी का भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने वो रियलाइज किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जानबूझ के बोला है या फिर जो भी है, तो निकी का वैसा नहीं है, निकी जानबूझ के बोलती है चीजें, तो जानवी का वैसे नहीं था, उसको जो मन में आया वो बोलती थी, और अभी उसको बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई है, तो वो अच्छी बात है, वो रियलाइज के कुछ चीजें खुद में सुधार करना चाहती है, कभी कभी उसका गुस्सा निकलता है, और सूरज टाइम पे उसका गुस्सा सूरज पे निकला था, तो मैंने उसको जी एक्सप्लेन, तो सूरज को ऐसा नहीं बोल सकती है कि ही इज नॉट कैपेबल कैप्टनसी के लिए, वो हैट वाला टास्क था, वो अकेली राइट थी राइट अकेली थी, लेकिन तो अच्छे खेल के भी अगर ये सब चीजें बोल रही है तो फिर से निगेटिव में जाएगी, मैंने बोला था, तो ये सब चीजें बोलना जरूरी नहीं है, खुद को एक्सप्लेन करो कि हाउ आई एम बेटर, उसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये सब भी चीजें हुई थी जो नहीं दिखाई दी है फिर बाद में बताओगे ऐसे,
लेकिन वो ओके टफ है। और मिक्की बहुत ज्यादा ऐसे प्लान करके टारगेट करके एक बंदे को, क्योंकि मैं ग्रुप में रहा हूँ तो मुझे मालूम है वो टारगेट करते एक बंदे को और उसके ऊपर टूट पड़ती है। तो ऐसा जाह्नवी का नहीं था, जाह्नवी को जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता है वो नहीं लगता है, वैसे वो उसका था। तो अभी वो अच्छा खेल रही है, आई होप कि वो ऐसे ही और जेन्युइनली खेले, टॉप 5 में आ सकती हो बिल्कुल डेफिनेटली। वर्षा ताई क्या कर रही है शो के अंदर? वर्षा ताई स्टार्टिंग में मेरा भी उनके साथ झगड़ा हुआ था, मुझे जी लगा ताई एक फेक पर्सन है, ऐसा डायरेक्टली बोलता हूँ मैं, और उधर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका कि मुझे नहीं लगता कि वो एक रियल पर्सन है जो कि रियली ऐसे बातें करती है या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने नहीं देखा है ऐसे किसी को बात करते हुए जो इतना शुगर कोटेड बातें होती है उनकी, तो मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा है मेरे लाइफ में, तो मुझे वो फेक लगता था स्टार्टिंग में। तो 2 3 4 हफ्ते के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, कि वर्षा ताई है वैसी ही है, बाहर भी वैसे ही है, जिन लोगों ने उनको देखा है बाहर उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि वर्षा ताई जैसी है वैसी ही अंदर है। और वर्षा ताई का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हालांकि उनको ये नहीं मालूम रहता कि टास्क कैसे खेलना है या क्या करना है, लेकिन अगर उनको बताया जाए कि ये करना है तो वो 200% देती है। जो कॉइन का टास्क हुआ था जी उन्होंने जी कुल भी नहीं छोड़ा था, मतलब कोई भी हो उन्होंने ऐसा जो कॉइन्स को पकड़ के रखा था उनका डेडिकेशन 100% था वहां पे। अभी राइट जो गोनी का टास्क हुआ था जहाँ पे गोनिया बचानी थी, जी उधर भी वो गिरे थे नीचे, फिर से उठ के फिर से उन्होंने वो पकड़ा था, एक भी बैग जाने नहीं दिया था। तो उनका डेडिकेशन 100% है वहां पे, मतलब इन सब लोगों में जो हम बोलते हैं ना कि इतने यंगस्टर लोग हैं, एग्रेशन वाले लोग हैं, जो बहुत स्मार्ट है सब लोग, इन सब लोगों में वर्षा तो एक अकेले ऐसे है जो उनका 100% 200% दे रहे तो मैं तो चाहता हूँ कि वो भी आगे रहे, और क्योंकि उनका दिख रहा है गेम दिख रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर पा रहे, या फिर किसके साथ खेलना है किसके अगेंस्ट खेलना है ये नहीं मालूम है उनका, सिर्फ है कि वो इंडिविजुअल है, अगर एक ग्रुप में भी है वो इंडिविजुअल खेलती है वहां पर, तो उनका वो सही जा रहा है मैं तो कह रहा हूँ। और निगेटिव पॉइंट्स तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता उनके बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे निगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उनकी तरफ से, तो वो सब तो चली गई बाद में, मैंने उनको सॉरी भी बोल दिया, मैंने उनको बोल भी दिया था अंदर ही कि मुझे ऐसा लगता था आप फेक हो या फिर जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की उनको, तो शी इज अ रियल जेम आई थिंक, और वो अच्छा खेल रहे हैं, मतलब उनको जितने मुद्दे रखने होते वो रखते हैं। उनके ग्रुप में भी अगर सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये इसको कैप्टन बनाना है, तो वर्षा तो अकेली है जो उनके अगेंस्ट खड़ी रहती है, बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं मुझे ये पसंद है, तो अकेली ओके हाँ अकेले ऐसे है जो खुद का स्टैंड लेते हैं ग्रुप में भी, तो दैट्स अ नाइस थिंग। थैंक यू सो मच वैभव भाई, ढेर सारी आपसे बातचीत हुई, आपने दिल खोल के हमसे बातचीत करी, और सबसे अच्छी बात है कि महाराष्ट्र की जनता के जो सवाल थे, आई होप जनता को आपके जवाब पसंद आए होंगे और अब जनता की अदालत से आप कहीं ना कहीं बरी जरूर हो जाएंगे। आई होप सो कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जरूर मैं सब जनता से माफी मांगना चाहता हूँ, दिल से माफी मांगना चाहता हूँ अगर मैंने किसी को हर्ट किया है। मैंने बहुत सारे मैंने चीजें गलत की है, सो मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि अपना दोस्त समझ के अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ ऐसा आगे जाके काम करूंगा जहाँ पे पक्का मुझे ऐसा लगता है कि जनता को प्राउड फील होगा और फिर से मुझे वो प्यार मिलेगा उनसे, तो आई होप कि ऐसा हो, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा सबका दिल जीतने का फिर से। ठीक बिल्कुल होगा वैभव भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, चलते हैं, जय महाराष्ट्र, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।